हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन ऑन ब्लू ड्रैगन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट फिशेस के बारे में। आज आप देख सकते हैं कि टैंक अच्छा भरा भरा सा लग रहा है, और ये है क्योंकि हमने आज थोड़ी वैरायटीज ऑफ फिशेस ऐड की है हमारे टैंक में। आप देख सकते हैं कि आपको है ना हर प्रकार की गोल्ड फिश दिखेगी इसमें, बट वही गोल्ड फिश मैंने ऐड की है जो एक साथ रह सकती है, नॉट द फास्ट स्विमर्स। जो फास्ट स्विमर्स होते हैं वो गोल्ड फिश के साथ हमने नहीं रखे। जो गोल्ड के कीपर्स होते हैं, जिनको हॉबी है गोल्ड फिश रखने की, उनको पता है कि अगर फास्ट स्विमर गोल्ड फिशेज जैसे कि कोए हो गया, कोए कार्प हो गया, अगर वो हम फिश टैंक में डालते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो बाकी गोल्ड फिशेस होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, बट उनके डालने से कैसा होता है कि खाना वो फटाफट खा लेती है। इसके कारण आप देखेंगे वेराइटीज़ आपको दिखेगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और आज का हमारा वीडियो उसी पे ऊपर है। हमेशा वीडियो हम इंग्लिश में रखते हैं, बट आज कुछ व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो हिंदी में रखा है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज अपन इनके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हमने हमारे टैंक में नया क्या डाला है, और हर एक मछली के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी फिश से। आज देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाइब्रेंट कलर की जो दो बड़ी मछलियां हमें आज दिख रही है, ये इनका नाम होता है कोबाल्ट गोल्ड फिश, जो इतनी वाइब्रेंट होती है कलर्स में, इतने सुंदर पैटर्न्स होते हैं। आप इनकी टेल देखिए कितनी लॉन्ग है, सुंदर सी टेल बाई कलर में, और ये तो पूरा एक ही कलर में। आप देख सकते हैं इतनी प्यारी टेल होती है इनकी, और दिखने में एकदम रानी जैसे लगते हैं। ऐसे लगता है इन लोगों ने एक कोट अपने ऊपर ले लिया है। सो दिस आर नथिंग बट द कोबाल्ट गोल्ड फिश। अगर इन्हें जैसे मेरे टैंक का भी लाइट वाइट कलर में अगर ब्लू होता तो ये पूरी रेड कलर की और एकदम मखमली तरह की फिश दिखती। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये इतनी क्यूट सी मस्त वेन के साथ तैर रही है हमारी रेड कैप गोल्ड फिश। इसकी वेन बहुत प्रॉपरली डेवलप है, और ये बहुत ही सेंसिटिव और इतनी अच्छी है कि जब भी मैं इसके ऊपर या इसके पास आस जाता हूँ, आप देखिए कैसे एक्टिव हो जाती है, ऊपर आती है, इसे लगता है कि मैं खाना दे रहा हूँ। फिशेस का, खास करके गोल्ड फिशेस का एक हमने देखा है फ्रेंड्स, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये अपने मालक को पहचानती है, या जो इसे फीडिंग करता है उसे जल्दी पहचानती है, जिसके कारण आप देखिए हम जैसे ही इनके आसपास आते हैं ये ऊपर आ जाती है हमसे मिलने, हमसे खेलने। टैंक में अगर मुझे कोई सबसे प्यारी फिश लगती है तो ये मेरी रेड कैप वेन फिश है, जो बहुत ही चुलबुली और बहुत प्यारी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं हमारी ये ब्यूटीफुल सी एक फिश पे। दिस इज नथिंग बट द रुइकिन फिश। इसे रुइकिन कहा जाता है। ये रुइकिन दो कलर में है, आप बाई कलर में देख सकते हैं। ये मेरे टैंक की एक और बहुत खूबसूरत मछली है, और बहुत ही एक्टिव है देख सकते हैं आप, और दिखने में बहुत सुंदर। इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं। ये एग्जॉटिक फिशेस में आते हैं और बहुत अच्छे तैराक होते हैं। सो यू कैन सी दिस। उसके बाद हम आते हैं कैलिको गोल्ड मूर के पास। ये देख सकते हैं कैलिको नाम इसलिए क्योंकि इसमें तीन चार कलर होते हैं, और ये मूर फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी आँखें देखिए कैसे बल्जी होती है, और इसकी आप टेल देखेंगे पीछे से ऐसे लगता है कि कोई बटरफ्लाई है। शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉटिक एंड वेरी ब्यूटिफुल फिश इन माई टैंक। देख सकते हैं आप, देखिए पीछे आपको दिखेगा बटरफ्लाई लग रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड हम आ जाते हैं हमारी बाकी एक सुंदर सी गोल मटोल फिश पे, जिसे हम कहते हैं द पर्ल स्केल गोल्ड फिश। ये दिखने में एकदम टेनिस बॉल जैसी दिखती है। आप देखेंगे एक छोटी सी मछली, जब ये बड़ी होगी तो एकदम बॉल जैसी दिखती है। इसे पर्ल स्केल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो स्केल है वो नॉर्मल गोल्ड फिश से थोड़े अलग होते हैं। ऐसे लगता है कि पर्ल्स जो है हमारे मोती उसके जैसे चमकते हैं, इसलिए इसे पर्ल स्केल गोल्ड फिश कहा जाता है। फिर आते हैं फ्रेंड्स हमारे नॉर्मल रेड कैप पे, बट दिस आर ऑफ फाइन क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के है। ये थोड़ा बड़ी होंगी तो डेफिनेटली मेरी जो बड़ी गोल्ड फिश है रेड कैप उसके जैसी दिखेंगी। इनका मेरे पास दो पैर है, दिस वन इज़ वन हेयर, और एक यहीं कहीं तैर रही है दूसरी,
और ऐसे मेरे पास ये देखिए यहाँ पर ऐसे इनका एक पैर है एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट दिस टू ये देख सकते हैं आप ब्लैक कलर में इसके फिन्स है। ये भी एक वेन टेल का बच्चा ही है अभी वो बहुत छोटा है बट ये जब डेवलप होगी तो डेफिनेटली ये हमारे जो कोबाल्ट जैसे उसके जो लंबे से वेन्स उसके जो टेल है वो अच्छे से डेवलप होंगे। और लास्ट में मेरा सबसे छोटा बट सबसे प्यारा गोल्डफिश है बट ब्लैक मूर ये ब्लैक कलर का है। ये इस बड़े मूर को फैमिली को ही बिलोंग करता है बट ये टोटली ब्लैक कलर का होता है। एक ब्लैक फिश हमारे टैंक में होना ही चाहिए था इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड ये बहुत प्यारा है। जो मेरी छोटी फिशेस है वो नीचे तैरती है बिकॉज आप जानते हैं फिश छोटी फिशेस जो होती है उन्हें नीचे जो बड़ी फिशेस का खाना है वो इजीली खाने मिलता है वो ऊपर भी आती है इसका मतलब ये नहीं बट बहुत प्यारी होती है। अब क्रेडिट्स मैं देना चाहूँगा फ्रेंड ये जो सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं मेरे दो सबसे अच्छे जो हमारे जो फिश ओनर्स है जो फिश फिश कीपिंग हॉबी को हमारे नागपुर में बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ईस्ट नागपुर में जहाँ मैं रहता हूँ अगर आप नागपुर के व्यूवर्स है मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आर के फिश एक्वेरियम में जाए वहाँ हमारे फ्रेंड मिस्टर राहुल तराड़े है ही इज़ द ओनर ऑफ द शॉप और इनका ईस्ट नागपुर में स्वप्नलोक बिल्डिंग से अगर थोड़ा हम आगे जाते तो लेफ्ट साइड में ही अच्छा शॉप है जहाँ से मैंने ये टैंक और उनकी कुछ फिशेस ली है। जैसे ये फिशेस में जो रेड कैप है जो बड़ी रेड कैप है ब्लैक मूर है और ये छोटी जो फिशेस है जिसमें फिर छोटी गोल्ड फिशेस और ये हमारी पर्ल स्केल गोल्ड फिश मैंने उन्हीं की तरफ से परचेस की है। और दूसरे हमारे और एक पसंदीदा और धर्मपेट में सबसे उनका भी नाम बहुत बड़ा है मिस्टर आसिम पॉल। आसिम सर का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि जो एग्जॉटिक फिश है उन्होंने मुझे हेल्प किया ये पैंडेमिक सिचुएशन में होते हुए भी ही प्रोवाइडेड मी बहुत अच्छी ब्रीड्स जैसे कि आप ये जो कोबाल्ट मेरा गोल्ड फिश देख सकते हैं ये उन्होंने प्रोवाइड किया। एक रुईकिन है मेरे पास जो ये आसिम भाई के यहाँ से लिया है एंड द ब्लैक मूर कैलिको गोल्ड ये सब मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स जो हॉबीस्ट है जो फिश कीपिंग करना चाहते हैं फिश रखना चाहते हैं आपको ईस्ट और वेस्ट में ये दोनों बहुत अच्छी दुकानें हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं अपने मनपसंद फिशेस अच्छे दामों में ले सकते हैं। तो इन दोनों भाई लोगों को मिस्टर राहुल तराड़े एंड मिस्टर आसिम पॉल मैं उन दोनों का शुक्रिया करूँगा कि उनके कारण आज मेरी हॉबी को एक नया लेवल मिल रहा है। आशा करता हूँ ये हॉबी को मैं आप लोगों के साथ ऐसे कंटिन्यू करूँ और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ और बोलूँगा इट्स बेटर टू सिट इन फ्रंट ऑफ ए गुड एक्वेरियम इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन इडियट बॉक्स। आजकल लोग इतनी नेगेटिविटी इतनी न्यूज़ आ रही है जिसमें इंसान हर जगह नेगेटिव देखता है बट अपने आप को रिलैक्सिंग और पॉजिटिव रखने के लिए आप ये हॉबी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कुछ नहीं एक बार का इन्वेस्टमेंट है छोटा सा बट आपको हमेशा ये सुख देगा। हम वैसे तो दान करते हैं एक मछली घर पे रख के उसको रोज फीड करें उसको खिलाए पिलाए बड़ा किए तो वो भी एक दान ही है और एक अच्छा कर्म है। मैंने बचपन से सुना है कई कहानियाँ देखी है लोग शुक्रवार तालाब में जाते हैं खाना फेंकते हैं अपना पाव लेते हैं फीडिंग करते हर शनिवार जाते हैं। मैं रोज़ अपनी मछलियों को खाना फीड करता हूँ उनकी देखभाल करता हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल माय व्यूवर्स माय सब्सक्राइबर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर आसिम पॉल एंड मिस्टर राहुल तराड़े। उन दोनों के लिंक्स और डिटेल्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के जो इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा जो भी लेना चाहते हैं कैन विजिट देयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हम वापस मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ। चलो टेक केयर बाय बाय।